आपके यहाँ जो शौचालय बनाया गया है वो कितने गड्ढों का बनाया गया? एक गड्ढे का बना है। ये कितने लोगों का एक ही गड्ढे बना होगा? कम से कम 40 लोगों का बना होगा। मतलब पूरे गांव में 90% लोगों का। अच्छा, आपके यहाँ जो शौचालय का स्तर है वो थोड़ा खराब है या सही है? खराब है, सब बहुत लोग कह रहे हैं कि खराब है, कोई पल्ला टूट गया है, किसका क्या टूट गया है। तो ऐसे में आपका गांव जो ODF हो चुका है तो आप लोग बाहर ही जाते होंगे, तो कैसे ये सही है? तो बाहर जाना थोड़ी सही है। आपके शौचालय बने हुए कितने दिन हुआ? 4 महीना हो गया। 4 महीने। आपके शौचालय में क्या दिक्कत है जो आप लोग शौच इसमें नहीं जा रही हैं? अब वह ढक्कन नहीं ढाला है। और आपने कभी प्रधान जी से इस बारे में कहा कि ढक्कन डलवा दीजिए? कहन है। तो क्या कहते हैं वो? कहीं की हो जाए, 2-4 रोज में हो जाए, तो वैसे कहा था, तो हमारा रोजन कहाँ दौड़ दूर जाए। पिछले 4 महीने से ऐसे ही वो कह रहे हैं। बनाने में क्या क्या खेल हुआ है? कुछ नहीं साहब, कच्चा ईटा पूरा लाग है। और कैसे बनाया गया है शौचालय? पैसा वैसा भी लिया गया है? 100-1000 रुपया का काटिया है वहाँ में, कि बजट वगैरह अपना ले लेकर, और बालू पीला ईटा लगा के पूरा दिन। ये कौन लिया है पैसा? प्रधान लेने, प्रधान खुद अपने थ्रू बनाए नहीं। अच्छा, प्रधान ने खुद अपने थ्रू बनाया है। और आपके खाते में तो पैसा आया होगा? नहीं, खाते में किसी के खाते में पैसा नहीं आया है। हम खाता चेक करा ली जाए, हमारा खुद बना पीला ईटा बना पल्ला मुहारा चल देख लो, कोई क्यों कर जाए को करे। तो वो जाने लायक बना है कि नहीं बना? कुछ नहीं बना है, चल के चेक करके देख लीजिए आप। वहाँ कहते हैं यहाँ पूरा वो कई दिन कहते हैं कि यहाँ कोई बने, आधा बना आधा बने नहीं है, ODF घोषित कर दिया। हाँ, ऐसे में सवाल ये है कि ODF घोषित किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है, जबकि पूरे जिले में अगर देखा जाए तो अभी भी कम से कम 50,000 परिवारों के पास, यानी अगर 5 लोगों का औसत मिला लिया जाए एक परिवार में, तो तकरीबन 2.5 लाख लोगों के पास शौच बाहर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जिला प्रशासन की ये जल्दी कहीं ना कहीं इस बात पर भी सवाल खड़े करती है कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वस्थ इंडिया के मोटो को साधा जा सकेगा और भारत में गंदगी के खिलाफ जो युद्ध छिड़ा है उसे कैसे जीत में बदला जा सकेगा। बलरामपुर के पडरौना से मैं योगेंद्र पाठी, ETV भारत के लिए।